नारायण भगवान की। नारायण बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीम नारायण 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 श्रीम आवाज देखिए जैसे कम करो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी सिटी दे रहा है श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी या तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण फिर से ब्रह्मचारी जी देखिए ठीक कराइए भाई उसको समझाइए उसको एक तक चारों पर से बाउंड्री है आवाज सिटी दे रहा है खाली ये बताए कि जो एक दिन सेट कर दे उतने प्रो तुम लोग इंजीनियर बन जाते हो कट टेबल कम कर कर दिए कि थोड़ा सा टेबल कम करो और बेस थोड़ा सा बढ़ाओ टेबल कम कीजिए और बेस बढ़ाइए थोड़ा सा और मीट को थोड़ा सा बढ़ाइए आवाज है चारों तरफ से टकरा रहा है। नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। थोड़ा सा उठाओ मीट लीड को उठाओ लीड के बाद उठाओ नारायण 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 छोड़ इतने पर चारों तरफ से मकान है आवाज गूंजता है। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम राम कृष्णांग्र सद्भक्तम विश्वक्षेन मुनिम भजे कासायम यज्ञ सूत्रम सुचिव पुषि तथा चौर्द पुण्रम च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलम दारुपात्रम पवित्रम श्री विश्वक्षेन सूरे पद कमल युगम श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरो परंपरा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तैनो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तैनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तैनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। मैं प्रथम दिन आपके सामने निवेदन किया था कि परमात्मा कृपा साध्य है, केवल साधना साध्य नहीं है। परमात्मा साधना द्वारा प्राप्त होते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन परमात्मा केवल साधना के द्वारा मिल ही जाएंगे ऐसी बात नहीं है। यही मेरा विषय है। जहां भी देखा गया, जब भी देखा गया, जैसे भी देखा गया, परमात्मा कृपा के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। कल दो उदाहरण मैंने आपके सामने दिया था, कल पिछले दिन मैंने दो उदाहरण दिया था। विदुर जी महाराज के पास साधना नहीं थी, साधन नहीं था। आपने सुना होगा, जिनके पास सुबह को कहीं खाएं तो शाम को ठिकाना नहीं था, और शाम को कहीं खाने की व्यवस्था हो जाए तो सुबह कैसे व्यवस्था किया जाएगा, व्यवस्था नहीं थी। दुर्योधन राजकुमार था, राज सिंहासन का अधिकारी था, राजा था, सारे साधन और संसाधन से संपन्न था, परंतु उस दुर्योधन के मेवा मिष्टान पकवान को भगवान ने त्याग दिया और विदुर जी के यहां जाकर भगवान ने सत्कार का सत्कार को स्वीकार किया। आप निर्णय कर सकते हैं कि सही में परमात्मा कृपा साध्य है कि साधना साध्य है। निर्णय आपके पास था, लेकिन इन दोनों पहलुओं पर विचार करने पर होता है कि परमात्मा कृपा ही साध्य है। जहां तक आपने रामावतार में शबरी की कथा सुनी होगी, शबरी के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक तो अच्छी तरह से अपने आप वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिया, भगवान ने बड़े बड़े कुलपतियों की वैभव ऐश्वर्य को नकारते हुए, नकारते माने जिसमें भगवान श्री राम जब अयोध्या से चले थे तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागराज, भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर गए और भरद्वाज ऋषि ने इतना सत्कार किया, इतना सत्कार किया, इसको कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जब वाल्मीकि जी को निर्णय करने के लिए अपने आप न्यायाधीश बनाया गया, बाबा ये बताइए कि शबरी का सत्कार श्रेष्ठ रहा आतिथ्य सत्कार कि भरद्वाज ऋषि का आतिथ्य सत्कार श्रेष्ठ रहा, तो हमारे वाल्मीकि जी महाराज ने निर्णय करते हुए कहा कि भरद्वाज के सत्कार जो था वो साधना संपन्न था। क्या था? साधन संपन्न और साधना संपन्न था। इसका मतलब कि भरद्वाज कुलपति हैं, तो कुलपति हैं तो उनके पास ऐश्वर्य वैभव और वस्तु व्यवस्था का कोई अभाव नहीं है। किसी के पास 1,00,000 रुपया हो और उस 1,00,000 रुपया में से कहीं 5 रुपया कहीं दान पेटी में डाल दे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हो। किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया नहीं हो, मजदूरी करता हो सुबह तो शाम को खाता हो, शाम को अपने आप जब है तो सुबह खाता हो, और ऐसा व्यक्ति अगर 1 चवन्नी भी दान पेटी में डालता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो भरद्वाज ऋषि कुलपति हैं। कुलपति का मतलब आप समझते ही होंगे, भरद्वाज कुलपति हैं अपने आप में। ऐसे भरद्वाज जी ने भगवान श्री राम का सत्कार किया तो बहुत बड़ा अपने आप में, कोई वैसी अपने आप बात नहीं है। लेकिन जिन शबरी के पास शरीर भी रुंगड़ा अवस्था में हो गया है, कोई इसके पास उस जंगल में कुछ वस्तु व्यवस्था भी नहीं है, और ऐसे में शबरी भगवान श्री राम के सामने बेरों को ला करके रख दिया। वाल्मीकि जी को लिखना पड़ा, शबरी पूजित सम्यक जाते दशरथ आत्मजः। वाल्मीकि रामायण में है कि शबरी पूजित सम्यक जाते दशरथ आत्मजः। दशरथ आत्मज श्री राम को शबरी ने जैसा सत्कार किया ऐसा त्रेता युग में राम जी को सत्कार कहीं प्राप्त नहीं हुआ। द्वापर युग में
भगवान द्वारिकाधीश को जगह जगह पर अलग अलग सत्कार और सम्मान होते रहे, लेकिन उनको कहीं व्यास जी महाराज ने नहीं लिखा बल्कि विदुराणी। और मैं नहीं कहता हूँ, मैं उस समय के प्रसंगों को मैं याद दिला दूं जिस समय भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु व्यतीत करके अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में थे। अभी कल या परसों आपने भागवत की भूमिका आपने सुना होगा, थोड़ी समय आपको याद दिला दूं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करके और अपने गोलोक धाम जाने वाले थे। गोलोक धाम है क्या चीज? भगवान का निज धाम है, भगवान का निज धाम है। और ये पृथ्वी क्या है? अयोध्या मथुरा माया काशी। और अयोध्या क्या है? भगवान का ऑफिस कार्यालय है। बात इतना जान लीजिएगा, ऑफिस कार्यालय है ये भारत भूमि जो है, ये धर्म भूमि जो है, ये भगवान का जहां जहां अवतार स्थल है वो कार्यालय है, वो ऑफिस है। और भगवान का निज धाम कौन है? गोलोक धाम, साकेत धाम, वैकुंठ धाम, ये अपने आप भगवान का निज धाम है। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्रीय प्रमाण में निवेदन करूंगा। भगवान का धाम कहाँ है? दिवीव चक्षुरातम तद विप्रासो विपन्वयो जाग्रीवान स समिंदते विष्णोर्यत परमं पदं पर्याप्तानन्तराय सर्वयस्त मोतिरातं मूर्तं महर भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जीत्यै सर्वमेव तेनाप्तनोति सर्वं जयति। ये भगवान का धाम है। कौन? दिवीव चक्षुरातम तद विप्रासो विपन्वयो, जहां अमलात्मा विमलात्मा विशुद्धात्मा प्रवृत्ति के लोग, ऐसे स्वभाव के लोग, जहां रात दिन जिस लोक का निध्यासन और चिंतन करते रहते हैं, वो भगवान का निज धाम है। इतना ही नहीं, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। सम अपने आप में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहां जाने के बाद पुनः लौट करके नहीं आना पड़ता है, वही मेरा धाम है। तीसरे शब्दों में रामचरितमानस में भगवान ने अपने आप में स्वयं कहा है, जिस समय लंकापुरी से पुष्पक विमान पर बैठ करके सुग्रीव जी विभीषण जी और बांदर भालू जब आ रहे थे, और जब ही प्रयागराज से आगे जब बड़े पुष्पक विमान से अचानक सुग्रीव जी और विभीषण जी ने कलकल और छल छल की अपने आप निनाद आवाज को सुना और बहुत नैसर्गिक छटा को पुष्पक विमान से ही देखा। उन्होंने भगवान श्री राम से पूछा, प्रभु ये कौन सी स्थान है, ये कौन सा जगह है जो कि वह अपने आप में जल की तरंगे जो है कलकर और छल छल करके मानो अपने आप में स्वर की आभा और शोभा को अपने आप में वह स्थापित कर रही है, और वह अपने आप में नैसर्गिक वह प्राकृतिक छटा जो है मालूम पड़ता है कि शायद स्वर्ग भी वह फीका पड़ा हुआ है। तो भगवान को कहना पड़ा कि मम धाम दा सुख राशि, ये कौन पूरी है? मम धाम दा, मम माने मेरा, धाम दा मेरे धाम को देने वाली वह पूरी है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो अपने आप अयोध्या है, मथुरा है, वृंदावन है, काशी है, बगसर है, ये जितने भी हैं जगन्नाथपुरी हैं, बद्री नारायण हैं, ये भगवान का ऑफिस है और भगवान का कार्यालय है। अब भगवान का धाम कहाँ है? वह अपने आप जहां रात दिन अमलात्मा विमलात्मा लोग जिनका ध्यान करते हैं, लेकिन काम अधिक होता है ऑफिस में ही, कार्यालय में ही, ये जान लीजिएगा। इसलिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। कहीं भी कार्य अधिक जब होता है तो ऑफिस और कार्यालय में ही होता है, ये जान लीजिएगा। किसी किसी व्यक्ति का काम कहीं घर पर कर भी दिया जाएगा, लेकिन दिखाया जाएगा ऑफिस का ही दस्तखत, ये जान लीजिएगा। यदि किंचित कोई प्रेमी सुहृद आदमी हो जो कि अपने आप आपका एकदम आत्मीयता हो, उसका कहीं कार्य कर भी दिया जाएगा और तभी दिखाया कहाँ जाएगा? दिखाया जाए ऑफिस में ही काम हुआ है। इसलिए भगवान इस संसार में आते हैं, भगवान इस संसार में आते हैं और आने के बाद अपने आप में भगवान का एकमात्र काम होता है परित्राण आय साधुना।
महापुरुषों को, सजनों को, संतों को कृतार्थ करने के लिए, उनकी अरमान को पूरा करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। और भगवान को दुष्टों को संहार और धर्म की स्थापना, इसके लिए भगवान के लिए आना ये मुख्य प्रयोजन नहीं, ये जान लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए हैं, आपका मुख्य प्रयोजन क्या है कि यहाँ पर चल करके कथा हो रही है, दो चार दिन होना है, कथा सुनना है। और रास्ते में आते समय के पुराने मित्र मिल गए, उन्होंने कहा भाई बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, थोड़ा सा चाय पी लीजिए। आपने चाय भी पी लिया, दो चार मिनट विश्राम भी ले लिए, लेकिन आपका प्रयोजन अपने आप में वह चाय पीना और विश्राम करना नहीं था। आप आए थे कथा सत्संग में, लेकिन जब आ गए तो मित्र के आतिथ्य सत्कार को भी आपने स्वीकार कर लिया। ठीक भगवान की भी बात वही है, कुछ अपने आप में भगवान आते हैं, लेकिन आने का मुख्य प्रयोजन बताया गया है कि परित्राण आय साधु। अपने आप में महापुरुषों के, सजनों की अरमान को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही भगवान आते हैं। बाकी परमात्मा को इस संसार में जहां तक दुष्टों की संहार की बात कहा जाए और धर्म की स्थापना की बात कहा जाए, आज का स्वयं अपने आप राष्ट्राध्यक्ष, जहां से अपने आप अनाउंसमेंट कर देता है, जहां से अपने आप घोषणा कर देता है, तो उसके अपने आप कर्मचारियों द्वारा, उसके सैनिकों द्वारा, सेनाओं द्वारा अपने आप दुष्ट व्यक्तियों को दंड दिया जाता है खोज खोज करके। अब भगवान कहे आना पड़ेगा तब मरना पड़ेगा ना हाथ से, ये बात तो समझ में नहीं आती है। ये अगर कहा जाए कि भगवान दुष्टों के संहार के लिए आते हैं, आज एक समान कोई अपने आप राष्ट्राध्यक्ष जो है अपने आप में, कोई ऐसा अपराधी उपद्रवकारी है, वह आदेश देता है अपने आप में, तो अपने आप उस पर अंकुश लग जाता है, उस पर दंड हो जाता है। ये नहीं कि हर काम का अपने आप राष्ट्राध्यक्ष ही करना पड़ता है। अब भगवान को आना पड़े यहाँ राक्षसों को मारने के लिए। अच्छा अभी वर्तमान में आप बताइए, वर्तमान में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अपने हाथ से किसी अपराधी, किसी दंडनीय व्यक्ति को दंड देता है क्या? नहीं देता है, दिलवाता है। अब वो भगवान जिनके बारे में बताया गया है अपने आप में, जो कि इनके सत्य काम सत्य संकल्प से पूरे दुनिया अपने आप में संचालित होती है, उनको अपने हाथ से आकर मारना पड़े, कभी हिरण्याक्ष को, कभी हिरण्यकश्यप को, कभी रावण को, कभी दंतवृक्षपाल को, कभी अपने आप में, एक उपयुक्त बात समझ में आती है? नहीं नहीं, ये उपयुक्त नहीं है। भगवान इसके लिए नहीं आते हैं। तब दूसरा बात होगा कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं? नहीं भी, धर्म की स्थापना के लिए भगवान नहीं आते। आज सम कोई अपने आप राष्ट्र का मालिक जो होता है, एक अधिक नहीं, अगले दिन 12 बजे रात्रि के बाद अमुक सिलेबस लागू हो जाएगा, एक कानून लागू हो जाएगा, वो अगले दिन से वह कानून लागू हो जाता है। अब भगवान किस दुनिया में आना पड़े तब धर्म की स्थापना होगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए परित्राण आय साधु नाम, भगवान आते हैं संतों को पवित्र करने के लिए, महात्माओं की अरमान को पूरा कर। पवित्र माने संत तो पवित्र होते ही हैं, तब परित्राण आय साधु नाम बताया गया है। परित्राण आय माने क्या होता है? उनकी अरमान, उनकी इच्छा, उनकी चाहना को पूरा करने के लिए। वह बाबा सुतीक्ष्ण जी, वह बाबा सरभंग ऋषि, जिन बाबाओं के शरीर में केवल हड्डी चमक रही है और शरीर में कुछ रह नहीं गया है, ये जान लीजिएगा। तपस्या करते करते, साधना करते करते, केवल उनकी शरीर की हड्डी चमक रही है और उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन मन में यह इच्छा बनी हुई है कि नहीं नहीं, भगवान श्री राम का हम दर्शन करके तब उनके धाम में जाएंगे। ये अरमान कैसे पूरा होगा? इच्छाएं कैसे पूरी होगी अपने आप में? ये भगवान को बैकुंठ में रहने से काम पूरा नहीं होगा, ए भगवान को बैकुंठ में रहने से कार्य नहीं हो सकता है। धर्म की स्थापना तो वहीं से हो सकती है, दुष्टों का संहार तो वहीं से हो जाएगा। भगवान अपने आप मन में संकल्प ले ले कि रावण के हार्ट अटैक हो जाएगा, और बताइए इसके लिए आना पड़ेगा उनको, बताइए। इतना समझ नहीं आती है। लेकिन एक भक्त अपने आप में यह संकल्प लेकर बैठा है कि जब तक राम जी का हम दर्शन नहीं करेंगे और तब तक अपने प्राण को इस आत्मा से बाहर नहीं निकालेंगे, एक काम कैसे पूरा होगा? कैसे पूरा होगा? ये तो आएंगे राम जी तभी पूरा होगा, ऐसे पूरा नहीं हो सकता है। वह बुढ़िया सबरी मैया, कल मैंने बताया था, वह बुढ़िया सबरी इसी प्रतीक्षा में है कि गुरु जी कह गए सबरी तुम राम राम कह, तेरे घर राम आएंगे, ऐसे सबरी की अरमान को कौन पूरा कर सकता है? इसलिए परित्राण आय साधु नाम, भगवान आते हैं संतों को कृतार्थ करने के लिए, उनकी भावना को पवित्र करने के लिए,
उन पर कृपा करने के लिए आते हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तो धर्म की स्थापना भी कर देते हैं, आ जाते हैं तो दुष्टों को संहार भी कर देते हैं। यही बात बताया गया है। इस तरह अपने आप में परमात्मा कृपा साध है। परमात्मा केवल साधना साध नहीं है। कल मैंने विदुराणी और मैंने अपने आप में विदुराणी की बात बताई और सबरी की बात बताई। आज मैं निवेदन करूंगा कि परमात्मा कृपा साध होकर के सुग्रीव पर भी अपने आप पर कृपा किए और विभीषण पर भी कृपा किए। वाल्मीकि रामायण में निवेदन किया गया है कि सुग्रीव पर भी भगवान ने कृपा अपने आप किया और विभीषण जी पर भी कृपा किया। सुग्रीव जी के बारे में आप जानते होंगे, कल या परसों मैंने निवेदन भी किया था कि जितना अपराध ही अपने आप में बताया गया है, सुग्रीव जी भी अपने आप में अपराध में कम नहीं है। ये जान लीजिएगा, कल या परसों में निवेदन किया था कि सुग्रीव जी भी अपराध में कम नहीं है। जिस समय बांदर राज वाली दोनों में कहा कि महाराज हमारे और सुग्रीव में तो बहुत मैत्री थी, या सुग्रीव जी भी भगवान श्री राम से सम परिचय देते समय बताए हैं कि हम दोनों भाई में बहुत अटूट प्रेम था, लेकिन मेरा भाई बांदर राज वाली जब राक्षस से अपने आप संग्राम करने गया, गुफा में प्रवेश किया राक्षस, मेरे भाई बांदर राज बाली भी प्रवेश कर गए और बहुत दिन बीत गया, जब लौट करके नहीं आए तो मैंने समझा कि शायद उनकी मृत्यु हो गई, तो मैंने उस गुफा में अपना पत्थर लगा करके और मैं आ गया और किष्किंधा का मैं सम मंत्रियों के कहने से मैं राजा बन गया। और राजा ही नहीं बना, अपने भाई बांदर राज बाली की पत्नी तारा को अपना भी बना लिया। ते अपराध में कमी नहीं है, ये भी अपने आप में उनको प्रतीक्षा करना चाहिए अपने आप में। और उसके बाद भी भाई जो राजा था उसका पुत्र भी तो था, उस अंगद को बना देना चाहता था। कितनी आपको राज के लोभ है, कितनी आपकी राज के लोभ है, कितनी आपको मान सम्मान के लोभ है, इसलिए एक कम अपराधी नहीं है। लेकिन ए परमात्मा के शरणागति को प्राप्त कर लिया। परसों हमसे एक महानुभाव पूछे थे, महाराज जी प्रपत्ति शरणागति में अपने आप में और भक्ति, इन तीनों पर विचार क्या आपका है? मैंने निवेदन किया कि प्रपत्ति, अगर एकाक्षरी कोश के अनुसार प्रपत्ति शब्द की व्याख्या किया जाए तो प्रपत्ति, प्रपत्ति का मतलब क्या होता है? प्र माने बड़े जोड़ों से, पत शब्द से पति बनता है प्रपत्ति। पत, पत माने अर्थात अपने आप को निछावर कर देना, जिसको आत्म सिलेंडर आप कहते हैं। सब कुछ रहने के बाद भी, धन जन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ रहने के बाद भी अपने को कुछ नहीं मानते हुए सर्वभावे न परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर देना और उसके साथ साथ सम अपने को भी समर्पित कर देना, ये प्रपत्ति है। इसी प्रपत्ति को जानने के लिए, इसी आत्मज्ञान को जानने के लिए, इसी तत्व ज्ञान को जानने के लिए एक समय विदेहराज, एक समय विदेहराज ने एक बहुत बड़ा धर्म सत्र का आयोजन किया। एक समय विदेहराज जनक जी ने बहुत बड़ा धर्म सत्र का आयोजन किया और उस धर्म सत्र में यह घोषणा किया गया था कि जो हमें आत्मज्ञान, जो हमें प्रपत्ति को बता देगा, परमात्मा के चरणों में समर्पित की भावना स्थापित करा देगा, उसको मैं आधा राजपाट दे दूंगा। ऐसे विदेहराज जनक ने घोषणा कर दिया। तो उपनिषद की कथा अपने आप में है। बहुत से लोग आए, अर्थ कामा, अर्थ की कामना से बहुत से लोग आए, कोई भी समाधान नहीं कर पाया। कोई कहा कि मैं आपके लिए यज्ञ करूंगा, तो यज्ञ में भी कुछ समय लेगा, साधन जुटाने पड़ेगा। किसी ने कहा चलिए मैं आपको पूरे देश की दुनिया की परिक्रमा करा दूंगा, इसमें भी समय लगेगा। किसी ने कहा कि मैं आपको योग साधना बताऊंगा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी अभिव्यक्ति को दिया, एक मत नहीं हो पाई। आपस में मेरी बातों को सुनो, ये हो ही रही थी। अचानक उसी सभा में हमारे अष्टावक्र जी महाराज आ गए। अष्टावक्र जी, अष्टावक्र गीता भी बहुत अपना प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। अष्टावक्र जी महाराज आ गए और अष्टावक्र आए तो उनका शरीर का बाहर का 8 अंग टेढ़ा है, ये जान लीजिएगा। पैर से, हाथ से, गोड़ से, पीठ से टेढ़े हैं। ऐसे अष्टावक्र के सभा में आते ही जो भी अपने आप सभा में बैठे लोग थे, दृष्टा अपने आप में, वो सब हंसने लगे, सब हंसने लगे अपने आप में,
संत महात्मा किसी पर नाराज नहीं होता है, और कहीं अनीति अन्याय और धर्म होता हो तो आज संत महात्मा चुप भी नहीं लगाता है, ये जान लीजिएगा, नहीं लगाता है। ऐसा विचार कर अष्टावक्र जी महाराज नाराज हो गए, जनक मैं तो समझता था कि तुम विद्वान आदमी हो, ज्ञानी आदमी हो, आत्मदर्शी हो अपने आप में, तो तुम अपने आप में विद्वानों को ही बुलाए होगे, लेकिन आज मैंने समझ गया कि सभी अपने आप को जिसको तुमने बुलाया है सब मूर्ख ही मूर्ख है। अब जिसमें बड़े पीएचडी डिलीट अपने आप किए हुए लोग बैठे हो, ऐसे एक ही झोंक में अष्टावक्र ने सबको अपने आप किया, सब मूर्ख ही जुटा हुआ है। हाय हाय लोग, कहां से आगे संत ऐसा, सबको एक ही झोंक में कह दिया कि मूर्ख है अपने आप ने। जनक जी महाराज देखिए, विनय एक ऐसा चीज है कि हमारे वस्तु, हमारी स्थिति जो हमारे से हट चुकी है, दूर हो चुकी है, उसको भी प्राप्त करा देता है। इसे विनय बताया गया है, विनय संपन्न होना चाहिए। हमारे जनक जी महाराज ने प्रार्थना के ऋषिवर ऐसा संबोधन किया जाए, यहाँ कोई मूर्ख नहीं है, सब बड़े बड़े विद्वान हैं, संत हैं, अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानी हैं, और सबको आपने कह दिया कि अपने आप में मूर्ख हैं, क्षमा किया जाए। अगर किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ हो उसके लिए मैं अधिकारी हूँ, लेकिन सबको ऐसा न कहा जाए। अष्टावक्र ने कहा था मूर्ख नहीं है तो क्या है लोग, ये मूर्ख नहीं है लोग तो क्या है। जनक जी महाराज ने कैसे, महाराज जी आपने मूर्ख का संबोधन किया, तो इसलिए मैंने मूर्ख लोग कहा कि मेरे शरीर के बाहरी 8 अंगों को टेढ़ापन और वक्र दे करके मेरे शरीर की संरचना पे लोगों ने विचार किया, मेरे शरीर के भीतर जो आत्मा जो है इस पर तो उन्होंने विचार नहीं किया। आत्मा तो टेढ़ी होती नहीं है, ज्ञान तो टेढ़ा होता नहीं है, विवेक तो टेढ़ा होता नहीं है, तत्व तो टेढ़ा होता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि चाम के और हड्डी मांस के अपने आप में ये सुख बताया गया है, ये शरीर के अपन परखी करने वाले हैं, ये शरीर को समझने वाले हैं, अतः सबको मैंने अपने आप कहा कि मूर्ख है। जनक जी चुप लगा गए, ऋषिवर गलती हो गई, क्षमा किया जाए। तब अष्टावक्र ने चाहिए बताओ तुमने इस सभा का आयोजन क्यों किया है, इस सभा का आयोजन क्यों किया है। जनक जी महाराज ने कहा मेरी इच्छा यही है कि मैं अल्प समय में आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, प्रपत्ति के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, शरणागति के बारे में जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अपने आप प्रपत्ति शरणागति और आत्मज्ञान तुम जानना चाहते हो, कितना समय, कितना समय में। तो अपने आप जनक जी महाराज ने कहा हमको उतना ही समय में आत्मज्ञान चाहता हूँ जितना समय में किसी घोड़ा को सजा करके, जैसे किसी घोड़ा का सवार करने वाला घुड़सवार अपने भी सजज के ठीक हो और घोड़ा को भी सजा करके ठीक हो, और घोड़ा पर चढ़ने में एक पैर उसका रिकेप पर हो और एक पैर उछल करके घोड़ा पर बैठने में जितना समय लगता है उतने ही समय में मैं आत्मज्ञान चाहता हूँ। रिकेप आप लोग समझते हैं ना, कभी घोड़ा आप लोग देखे होंगे, तो घोड़ा को अपने आप सजा करके लोहा का गोला सा अपने आप होगा, उसी पर पैर एक रख करके और उछड़ कर बैठ जाएगा, उसी को रिकेप कहा जाता है। हमको उतने ही समय में आत्मज्ञान चाहिए जितने समय में अपने आप में रिकेप पर पैर रखा हुआ घुड़सवार उछल करके अपने आप उछल करके और घोड़ा को बैठने पर जितना, घोड़ा पर बैठने में जितना समय लगता है। हमारे अष्टावक्र जी महाराज ने ये बताओ नियम ये है कि किसी से किसी चीजों को प्राप्त किया जाता है तो पहले कुछ लेन देन होता है, तो बिना लेन देन किए ही अपने आप में या तो वस्तु को प्राप्त करने के बाद दे दीजिए, या तो वस्तु के प्राप्त करने से पहले दे दीजिए। आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो पहले अपने आप पैसा दे देते हैं, वहां अपने आप रुपया दे देते हैं तब तेल भराते हैं, और कभी कभी ऐसा भी कहीं है कि जहां पहले अपने आप तेल भरा लेते हैं तब पैसा देते हैं, दोनों बात होती है। दुकान पर जाते हैं पहले आपने क्या क्या सामान ले लिया तब लिस्ट के अनुसार पैसा देते हैं, और कभी कभी आपने क्या किया क्या कि भाई 500 रुपया के अपने आप हमको अपने आप में एक घी दीजिए, आपने 500 रुपया दे दिया तो घी मिल भी गया, दोनों काम होता है। पहले दे करके भी इना तो ले करके पहले देने के बाद भी होता है, तो बिना दिलंदन के कैसे तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। खेत में आप पहले अन्न को दान दे देते हैं, श्रम का दान दे देते हैं, खाद बीज का दान दे देते हैं, सिंचाई बुनाई कर देते हैं, और तब उसे फसल प्राप्त करते हैं, ये परंपरा है। तो जनक जी महाराज ने कहा महाराज कौन श्रेष्ठ है, पहले दे कर लेना कि ले करके देना, आप ही बता दीजिए कौन अच्छा होगा जी,
दे करके लेना या ले करके देना, सही माने में अच्छा तय होता है कि दे करके लिया जाए। जान लीजिए, जैसे खेत में आपने बिया को डाल दिया, श्रम किए, आपने खाद को डाल दिया, सिंचाई कर दिया, आपके रात दिन उसके प्रति तन्मयता बनी रहती है कि हमारा इसमें इतना रुपया खर्चा लग गया है, इतना श्रम लग गया है, इतना टाइम लग गया है, इसलिए उपज अच्छा होना चाहिए। अब बिना खर्चा किए अपने आप में अब कोई खेत अपने आप में कहीं आपको भाई मैं आपको दान दे रहा हूँ तो उसके प्रति वैसा स्नेह नहीं रहेगा, उसमें कुछ थोड़ा सा ढिलाई भी आप कर सकते हैं। तो दे करके लेने में प्रेम होता है, ये जानिएगा, दे करके लेने में प्रेम होता है। अगर बिना दिए अगर ले लिया जाए तो अपना वैसी प्रेम नहीं रहती है, क्योंकि सबसे पहले उत्तम है कि दे करके लिया जाए, तब अपने आप जनक जी महाराज के ठीक है महाराज तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप जो मांगिए मैं दूंगा। अष्टावक्र जी ने कहा कि सुनो, तुम्हारा जो चीज अपना हो, देखिए आत्म तत्व और आत्मज्ञान की मैं यही अपने आप में, एक केवल उपनिषद पढ़ने से आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा, केवल वेदों को पढ़ने से आपको ज्ञान नहीं हो जाएगा। तो कितने लोग पढ़ रहे हैं अपने आप उपनिषद और अपने आप में और वेद पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, केवल तीर्थ व्रत करने से नहीं आत्मज्ञान हो जाएगा। अगर काशी मथुरा केवल अयोध्या बक्सर जाने से ही आत्मज्ञान हो जाता तो काशी में या बक्सर में या मथुरा में या अयोध्या में पकड़मार होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए ना, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इसीलिए वहां आत्मज्ञान नहीं मिल पाएगा। अगर कहीं मंदिर में जाने से शांति मिल जाता तो क्या मंदिर का कहीं मुकुट चोरी होना चाहिए, घंटी चोरी होनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, गंगा जी में केवल डुबी लगाने से ही अगर शांति आत्मज्ञान मिल जाती तो गंगा में मछुआरों को मछली मारना चाहिए? नहीं नहीं, ये प्रक्रिया है, ये जानिएगा। आत्मज्ञान की परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने आप बताया गया है, प्रक्रिया तो अपने आप में तीर्थ व्रत यज्ञ दान पूजा पाठ से जाननी चाहिए, याद रखिएगा। प्रक्रिया प्रक्रिया जो है अपने आप में तीर्थ व्रत यज्ञ दान पूजा पाठ सत्संग इत्यादि द्वारा जानना चाहिए, लेकिन बताया गया है जब जब भी, याद रखिएगा, जब जब भी जिसको समाधान हुआ है, जब जब भी जिसको समाधान हुआ है, अपने द्वारा हुआ है, अपने भीतर हुआ है, अपने से ही हुआ है, अपने में ही हुआ है, समाधान की प्रक्रिया जो है शास्त्र संत और तीर्थ व्रत से जाना जाता है। वही तुलसीदास जी पहले भी थे, समाधान की प्रक्रिया पत्नी ने बताया। एक कोई जरूरी नहीं है कि समाधान की प्रक्रिया कहीं हम तीर्थ व्रत से जानेंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो केवल अपने आप में समाधान की प्रक्रिया केवल तीर्थ व्रत और पूजा पाठ ही नहीं है, कभी कभी समाधान की प्रक्रिया बेटा ने कहीं डांट दिया, सब कुछ तुमने विनाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, जाओ जहां मन करे, घर में रहने का अधिकार नहीं हो, अब ज्ञान बैराग हो यारी, खेत खलिहान घर द्वार मकान पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाया, आज बेटा हमको जवाब दे दिया, अब आपको शॉट लग गया, शॉर्ट लग गया, अब आप समझ जाएंगे दुनिया स्वार्थी है, दुनिया कोई किसी का होने वाला नहीं है, और धीरे धीरे बैराग की तरफ हो जाता है अपने आप में। इसीलिए कभी कभी पत्नी की फटकार, बेटा की डांट, भी कभी कभी जीवन के लिए आत्मज्ञान के विशेष कारण बन जाते हैं, ये जान लीजिएगा। तुलसीदास जी की पत्नी ने अपने आप को क्या किया, प्रक्रिया बताया, अब बहुत कुछ प्रक्रिया नहीं बताई, कथा आप लोग जानते होंगे, हमें बताने को याद दिलाना है, अपने आप में का अधिकार है इस चाम मांस के शरीर पर, आपकी इतनी स्नेह बनी हुई है, अरे ऐसा स्नेह अगर आपको इस शरीर बनाने वाले उस नियामक से हो जाता, उन प्रभु से हो जाता, तो आपका भी कल्याण हो जाता और हमारा भी कल्याण हो जाता, बस हो गया, इतना ही ज्ञान पर्याप्त हो गया अपने आप तुलसीदास के लिए, और तुलसीदास हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पुजारी बन गए। तो समाधान की प्रक्रिया संसार समाज और संसार समाज के वस्तु व्यवस्था साधनों से जानी जाएगी, लेकिन समाधान जिसका भी हुआ है, असमाधान जब भी होगा अपने भीतर होगा, अपने द्वारा होगा, और बाकी नहीं होगा, ये जानिएगा। वाल्मीकि जी महाराज बहुत बड़े हिंसक थे, लेकिन सप्तऋषियों द्वारा समाधान की प्रक्रिया उन्होंने जाना, समाधान तो वाल्मीकि जी को सम अपने आप भीतर हुआ कि नहीं नहीं हिंसा नहीं करनी चाहिए। अंगुलिमाल डाकू बहुत बड़ा हत्यारा था,
गौतम बुद्ध द्वारा समाधान की प्रक्रिया को उसने जाना, लेकिन समाधान और शांति उसके भीतर ही प्राप्त हुआ। इसलिए समाधान की प्रक्रिया के लिए हम तीर्थ करें, व्रत करें, यज्ञ करें, दान करें, पूजा करें, पाठ करें, सब कुछ करें, लेकिन समाधान और शांति और आनंद जो है अपने भीतर ही होती है, ये बताया गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसलिए हमारे जनक जी महाराज से अष्टावक्र जी ने कहा, तुम आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो जो तुम्हारा अपना जो चीज है वो हमको दान दो, जो तुम्हारा चीज है दूसरे का चीज मत देना। तो सब अपने आप जनक जी महाराज ने कहा कि गुरुजी, हमने पहले घोषणा किया था कि अपने आप में आधा राज दे दूंगा, हमें जो ज्ञान दे देगा, तो उस आधा राज को मैं आपको मैं संकल्प करता हूँ। अष्टावक्र के महामूर्ख आदमी है भाई, बार बार मूर्ख जैसा बात करते हो, तुम कहते हो मैं आधा राजपाट दे दूंगा, इस राजपाट में तुम्हारा क्या है, यही आत्मज्ञान है। इस राजपाट में तुम्हारा क्या है, क्या तुमने पृथ्वी को बनाया है, क्या कि आकाश को तुमने बनाया है, क्या क्या अपना पहाड़ पर्वत को तुमने बनाया है, क्या क्या नदियों को तुमने बनाया है, क्या अरे इसका तुमने भोग किया है तो इसमें तुम्हारा क्या है। ये तुम थे, तुम्हारे बाप दादा थे, तुम्हारे पहले कितने राजा आए और कितने चले गए, इसमें तुम्हारा क्या है। तुम्हारा जो चीज हो वो हमको दे। आधा तो भ्रम अपने आप जनक जी महाराज का समाप्त हो गया, हम और आप कहीं होता, अरे महाराज हमारे पास है न धन, अपने आप में भ्रम समाप्त हो गया। तो प्रपत्ति की बात में व्याख्या कर, प्रपत्ति होता क्या है, यही होता है कि सर्वभावेन अपने पास साधन संसाधन होने के बाद भी उन साधन संसाधन का एकमात्र अपने आप में अहंकार का समाप्त हो जाना, यही प्रपत्ति है। ये प्रपत्ति जब हो जाती है तो वह परमात्मा जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जैसे रखो नाथ वैसे रहूंगा, ये बात आ जाती है, बताया गया है। अब जनक जी महाराज को अष्टावक्र कहा कि जो तुम्हारा अपना हो दान दो, मैं ऐसे चीज को दान नहीं लूंगा जिस पर अनेक प्रकार के लोगों ने अपने आप भोग भोग लिया है। ये झगड़ालू वस्तु है, ये पृथ्वी, ये अपने आप राज्य, ये तुम्हारा नहीं है, कितने लोगों ने इसको भोग भोगा है। अरे भाई मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके महाराज जी आपको हम कमर उड़ाना चाहते हैं, ठीक है भाई, और किसी दूसरे का कमर उड़ा वाला हमको दे दीजिए, अच्छा बात है, व्यवहारिक बात में पूछना चाहता हूँ, अच्छा बात है। तो अष्टावक्र ने कहा कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा क्या है भाई, इस राज्य में तुम्हारा क्या है, इससे पहले कितने लोग राज किए, यहाँ पर आकर के राजा बने और ये संसार से चले गए, एक अपने आप प्रकृति और पृथ्वी और शासन यही रह गई। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने, धनानि भूमो, ये धन संपत्ति यही रह जाती है, किसी के साथ जाती नहीं है। कितना भी आपने अनिति उपद्रव अन्याय किया है, बहुत कुछ घर द्वार दलान बनाकर डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बेटा परिवार नाती पोता को, आज जब आप जाएंगे ऐसा नहीं करेगा नाती पोता बेटा, कम से कम 1 लाख का चेक हाथ में दे देगा, करेगा जी, हम तो नहीं सुने कि बाबा रास्ते में आपको काम आएगा खर्चा पानी के लिए, करता है जी, नहीं नहीं, बल्कि संसार के लोग ऐसे स्वार्थी हैं, ऐसे बेईमान हैं कि सब कुछ आपके द्वारा किया हुआ है, कहीं 1 लाख 2 लाख 5 लाख का कहीं रुपया का चेक, कहीं किसी को आपने नामनी नहीं बनाया है तो सबसे पहले देखेगा लाश जराने से पहले कि क्या कहीं नामनी में छूट नहीं न गया है, तो उस मुर्दा को हाथ पकड़ करके दस्तखत कर लेगा। धनानि भूमौ, ये धन संपत्ति यही रह जाती है। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, जो भी गाड़ी घोड़ा इत्यादि है ये सब कुछ अपने स्थान पर रह जाएंगे, अपने गैरेज में रह जाते हैं, ये भी साथ जाते होते नहीं। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे, अरे जिस पत्नी के इशारे पर आपने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं समझा, जिस चहल पहल में और चंचलता में आपने अपने जीवन को बिताया गवाया, और वैसी पत्नी बहुत स्नेह करने वाली होगी तो आपके जाने के बाद घर के द्वार तक रोते रोते जाएगी, घर के द्वार तक रोते रोते जाएगी,
बंधुजन स्वजन जो कहेंगे कि स्त्रियों को शमशान पर जाना मर्यादा नहीं है, उपयुक्त नहीं है, अनुकूल नहीं है, वो भी नारी वही पर धैर्य को धारण करके और संतोष करके वही से लौट जाएगी, वो भी साथे जाती होती नहीं है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, धन संपत्ति वही रह जाती है, गाड़ी घोड़ा वही रह जाता है, पत्नी घर के द्वार तक जाती है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी द्वारे जना शमशाने, ए बंधु जन जो रहे, जिन बंधु जनों के साथ हमने अपने जीवन को व्यतीत किया, ये बहुत स्नेह करने वाले होंगे, तो हमारे जाने के बाद इस शमशान तक कहते जाएंगे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और उसमें चर्चा भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे, और सत्संग चर्चा करते हुए कहेंगे, बताओ कुछ साथ किसी के जाता है, यही कहेंगे लोग, कुछ साथ किसी के जाता है। बेचारा 11 बजे रात में फोन किया था, 11:30 बजे बात किया, अब 12 बजे चला गया, ये जीवन का क्या भरोसा है, क्या पता है, जो इस जिंदगी का बताया गया है, इस जिंदगी की क्या पता है कि अगला समाज जलेगी कि बुझेगी, कौन जानता है, कौन जानता है। ये जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल राह मनमानी है। ये जीवन क्या पता है अपने आप में, यही सत्संग और चर्चा होती रहेगी, कब तक, जब तक आपके लाश को, आपके शव को अग्नि पर और अपने आप सुला नहीं दी जाती है, तब तक आपकी चर्चा होती रहेगी। और जिस पुत्र के लिए, जिस परिवार के लिए आपने बहुत कुछ किया, वो पुत्र भी क्या करेगा, आपको अग्नि पर सुला करके 5 बार परिक्रमा करके और मुंह में अग्नि डाल करके वो भी हाथ जोड़ लेगा कि जो होने वाला तो हो गया, अब जल्दी लाश जर जाए, नहीं तो 10 गाड़ी भाड़ा पर किए हैं, अगर लाश जरने में देर होगी तो 2 दिन का भाड़ा देना पड़ेगा, वो भी आपसे अब मतलब नहीं रखना चाहता है। क्या दुनिया में ऐसी बात नहीं है, हम लोग तो बक्सर में रहते हैं, कभी कभी देखने को मिलता है, आते हैं बड़े लोगों से अपने आप में, जल्दी को अपने आप लाश जर नहीं पाता है, उलट के अपने आप को गंगा जी में ढकेल देता है अपने आप में, हम लोग देखते रहते हैं बक्सर में अपने आप में। अब वो जानता है कि जो होने वाला सब हो गया, कोई किसी के साथ जाता होता नहीं है, ये जान लीजिएगा, लेकिन एक चीज हमारे साथ जाता, धर्मानुगच्छत जीव एक लोका, एकमात्र व्यक्ति का व्यक्तित्व, मानव की मानवता, उसकी संस्कृति, उसका संस्कार उसके साथ जाती है, और बाकी कोई चीज के साथ जाती होती नहीं है। पर अच्छा कर्म उसने किया है, भले वो चला जाता है, लोग कहेंगे बेचारा चला तो गया, लेकिन स्कूल बना दिया था, अस्पताल बना दिया था, गरीबों को कहीं अपने आप किसी को दवा कर देता था, किसी को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था करता, यही हमारे द्वारा किया गया जो सत्कर्म है, जो व्यक्तित्व है, जो मानवता है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, वही हमारे साथ रहती है, वही हमारे साथ जाती है, वही पृथ्वी पर रहती है। अगर कहीं हमने गलत काम किया है तो लोग कहेंगे मर गया, ठीक हो गया, अपने आप में अपजस के अपने आप गठरी इस पृथ्वी पर भी रहती है, और जहां जाता है वहां लेकर जाता है, ऐसा कौन इतिहास नहीं जानता है, कौन इतिहास नहीं जानता है। इसलिए आत्मज्ञान का मतलब मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, जनक जो तुम्हारा अपना चीज हो वो दो, इस राज में तुम्हारा क्या है भाई, इस राज को तुमने बनाया है क्या, क्या वृक्षों को बनाया है, क्या पर्वतों को बनाया है, क्या तुमने किया है, ये तो परमात्मा की अपने आप चीज है, और दूसरे की भोग्या को और तुम अपना भोग्या मान रहे हो, ये तो बुद्धि की अपने आप बलिहारी ना है। आप रेलवे स्टेशन प्रतीक्षालय में चले जाइए, रेलवे प्रतीक्षालय पर जा करके वहां के एसी अटैच बाथरूम में तब तक रहिए जब तक ट्रेन आ नहीं रही है, और ट्रेन आ जाए सीटी भी बजा दे और ट्रेन चली भी जाए, आप प्रतीक्षालय को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, कि घर पर तो अपने आप कूलरों नहीं था, पंखों नहीं था, बहुत मच्छर से परेशान थे, तो कब तक, जो ही कर्मचारी पूछने के लिए आएंगे भाई आप रेलवे कर्मचारी आप कैसे, साहब हमने टिकट दिया देख लीजिए, देखिए टिकट, तो टिकट जब दिया, अरे भाई ट्रेन तो आपकी चली गई, हाँ ट्रेन चली गई बात हमको भी पता है, लेकिन मैंने सोचा कि घर में बहुत परेशानी हो रही है, रहने का झंझट बहुत तकलीफ हो रहा है, तो मैंने सोचा कि प्रतीक्षालय को ही अपना घर बना दे, कर्मचारी रहने देगा, कहेगा अरे भले आदमी जब तक ट्रेन नहीं आई थी तभी तक तुम प्रतीक्षालय में रहने का अधिकारी हो, और जब ट्रेन,
इतना बात जानेगा। उसी प्रकृति को हम लोग माया के भी नामों से जानते हैं। तो भगवान की पत्नी माता, माता जो है मान करने का अधिकारी है, माता जो है भोग करने का अधिकारी नहीं है। प्रकृति जो है उसको हम जब तक हैं अपने आप में उसको संवर्धन करें और प्रकृति का कभी भी भोग न करें। जब जब भी प्रकृति को और जब जब भी माया को अपने आप में हम जब भोग की स्थिति में लगाते हैं हमारा सर्वस्व समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी राज पद प्रतिष्ठा इत्यादि को हम सदुपयोग करें, ये अपने आप का है मान करना है। और जब भी राज पद प्रतिष्ठा इत्यादि को जब हम दुरुपयोग करते हैं ये हम अब क्या होता है, हम भोग करने का अधिकारी हो जाते हैं, तो हमारे लिए यह कलंक की बात हो जाती है। अतः प्रकृति परमात्मा की भोज्या है, परमात्मा की भोग्या है। ये मानवों के लिए, ये संसार के प्राणियों के लिए वह भोज्या और भोग्या नहीं है, बल्कि अपने आप क्या है, वह सेव्या है। क्या चीज है? सेव्या है, आदर की जोग है अपने आप में। जब जब भी प्रकृति को जिसने भोज्या और भोग्या माना वो व्यक्ति का नामो निशान मिट गया, चाहे वह हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का इतिहास हो, चाहे रावण कुंभकर्ण का इतिहास हो, चाहे दंत भक्त शिशुपाल का इतिहास हो, चाहे जरासंध का इतिहास हो, सब लोग इस प्रकृति को भोज्या और भोग्या बनाना चाहे ये संसार से चले गए। और जिन लोगों ने इस प्रकृति को अपने आप में आदर किया, सेव्या माना, भले आज चले गए, आज ही उनका इतिहास हम गाते हैं, उनकी स्तुति हम करते हैं। इसलिए कभी भी प्रकृति को भोज्या और भोग्या मत बनाइए, प्रकृति को आप सेव्या बनाइए, सेव्या बनाइए। और मैं नहीं, रामचरितमानस में, रामचरितमानस में अपने आप में गरुड़ जी और अपने आप काकभुसुंडी जी से जो संवाद हो रहा था, उस समय अपने आप में काकभुसुंडी अपने कहते हैं कि सेव्य सेवक भाव बिनु भवन तरो उरगाय। कहते हैं कि जब तक से अपने आप में सेव्य की भाव नहीं होगी और सेवक की भाव नहीं होगी, अर्थात परमात्मा सेव्य है हम सेवक हैं, ये भाव नहीं होगा तब तक चाहे ब्रह्मा के समान उच्च गति को प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आपको विनाश होने से, पतन होने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारे अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, जनक मैंने कहा कि तुम्हारा जो अपना वस्तु है वो हमको दान दो, और तुम अपने आप में इस राज को मैं आधा राज दे दूंगा। इस राज में तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम्हारे बाप दादा भी यहाँ के राजा थे, तो ऐसे दूसरे की संपत्ति इसमें भी प्रजा का अधिकार है, इसमें प्रजा का भी अधिकार है ना, इसमें 84 लाख अपने आप जूनियों के अधिकार बनता है, सब प्राणियों का अधिकार इस प्रकृति पर है, ऐसे राज में तुम्हारा क्या है? जनक जी महाराज चुप लगा गए। हम लोग भी जब धन का अहंकार होता है और कहीं अपने आप में उसका जब दमन हो जाता है तो शांत हो जाते हैं, तब अपने आप में जनक जी महाराज ने कहा कि महाराज ठीक है, मैं अपना तन आपको दे दूंगा। तो अष्टावक्र एक और महामूर्ख जैसा बात किया है, अभी तो मूर्ख जैसा बात कर रहा था और महामूर्ख जैसा बात किया, यही आत्मज्ञान है। और महामूर्ख जैसा बात किया, इस तन में तुम्हारा क्या है जी? ये पंचायती धर्मशाला है, ये तन जो है ये पंचायती धर्मशाला है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचिते अधम शरीरा, ये पंचायती धर्मशाला है। पांच तत्वों से बना हुआ हमारा आपका शरीर है, पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है। अब भला ऐसा पंचायती संपत्ति को कोई व्यक्ति अपने आप दान दे दे, अभी अच्छी बात है? नहीं नहीं, इसलिए इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं बनता है। जो तुम्हारा अपना चीज हो उसमें भी, ये शरीर पत्नी का है, ये शरीर पिता का है, ये शरीर माता का है, ये शरीर पुत्र का है, ये शरीर समाज का है, ये शरीर अपने आप में ये अलग अलग देवताओं का है, और ऐसी झगड़ालू संपत्ति को तुम दान देना चाहते हो? नहीं नहीं, बताया गया है कि कोई भी सार्वजनिक दान देना हो अपनी निजी वस्तु दीजिए, झगड़ालू और पंचायती संपत्ति को मत दीजिए। आपने कथा पढ़ा होगा नीतिकारों का और शास्त्रों की कथा पढ़ा होगा कि सदत्ताम्बा परदत्ताम्बा ब्रह्म वृत्ति हरे तुज हष्टी वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि। स्वदत्ताम्बा अपना दिया हुआ हो या परदत्ताम्बा या दूसरे किसी का दिया हुआ हो, ब्रह्म वृत्ति हरे तुझा, ऐसे ब्रह्म वृत्ति को, ऐसी पंचायती संपत्ति को जो हरण कर लेता है, पचा लेता है, वह खष्टी वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि। अब कोई स्कूल का, अस्पताल का, अनाथालय का, गोशाला का, मठ का, मंदिर का, ऐसा कोई पंचायती जो संपत्ति है उस व्यक्ति को जो हड़प लेता है, अपने
खा जाता है, अपने भोग में लगा लेता है, तो खष्टी वर्ष सहस्त्रारी विष्टायाम जायते कृमि, वो 7000 बरस तक पैखाना का कृमि होता है। उसके बाद और अलग अलग अपने आप जोनियों को प्राप्त करता है, इसलिए पंचायती संपत्ति पर किसी को निजी भोग करने का अधिकार नहीं है। हमारे अष्टावर जी महाराज जनक, इस शरीर में तुम्हारा क्या है भाई कि तुम हमको दान देना चाहते हो, जो अपना चीज हो वो अपने आप दान दो। अब तो जनक जी महाराज अवाक रह गए। हम और आपको भी यही दो अहंकार न होता है, एक धन का अहंकार होता है, एक तन का अहंकार होता है, दोनों को अधिक हम नहीं लेंगे। जनक जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु अब हमको नहीं समझ में आती है कौन सा आपको दान मांगते हैं और कौन सा दान देना चाहिए। तो अष्टावर क्या, क्या मैं जो मांगूंगा उसको आप देंगे, क्या मैं जो मांगूंगा उसको आप देंगे? तो सोचिए जनक जी, हो सकता है मैंने आधा राज की बात किया है, पूरा राज मांग लेंगे तो क्या दिक्कत, दे देंगे। उनके दिमाग में ही बात रही, पूरा राज दे देंगे। कहा गुरु जी आप जो मांगे वही मैं दूंगा। तब अष्टावर ने सुनो, पहले तुम्हारा प्रतिज्ञा क्या है? कि महाराज हमारी प्रतिज्ञा तो है तो हमको उतने समय में आत्मज्ञान प्राप्त होना चाहिए, आत्म तत्व प्राप्त होना चाहिए, प्रपत्ति की परिभाषा जानना चाहिए। जितने समय में घोड़ा की सवारी करने वाला घोड़सवार तैयारी हो चढ़ने के लिए, एक पैर इके पर हो और एक पैर छोड़ करके अपना बैठने में जितना उसको समय लगे, पहले घोड़ा मंगाओ। घोड़ा मंगाया गया, घोड़ा को सजाया गया, अगर एक पैर रखो इके पर और एक तरीके पर रखे, कहे कि ठीक है अपना उछड़ने का जब समय आ गया, पहले अपना मन हमको दे दो, अपना मन हमको दे दो। और जब ही मन जब दिए तब तो जनक जी महाराज अपना एक पैर उसी तरह उठा ही हुआ है। यही ना होता है, अभी आप यहीं पर बैठे हुए हैं, और किसी व्यक्ति को चाय पीने का आदत होगा तो कहीं मन भाग गया, 6 बजे घड़ी देकर हम चाय पीते हैं, ठीक है अपने आप में, महाराज जी कथे कहने में देर कर देंगे, तब क्या होगा? बैठे हैं कथा में, तन कथा में है लेकिन मन भाग गया है वहां पर अपने आप में, इसीलिए कहे अपना मन दे दो, यही आत्मज्ञान है। अब मन जब दे दिए जनक जी महाराज तब वो घोड़ा पर कैसे बैठा जाता है, पैर इसी तरह उठा हुआ है, ठीक यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान माने केवल आजकल के नहीं कि टेलीविजन पर 4 बजे या 5 बजे योगा सीख रहा है लोग, सांस खींच रहा है छोड़ रहा है, खींच रहा है छोड़ रहा है, मालूम पड़ता है कि सारा लोग योगी बन गए हैं। और उसके बाद आज ये भी 8 बजा 9 बजा तो मुर्गा खा रहा है। दुर्भाग्य है योगा सीखने वाले लोग और योगा सिखाने वाले लोग, दुर्भाग्य है। यही योगा है, यही योग है। नहीं नहीं, ये योग नहीं है, ये योगा नहीं है, ये भोग है तुम्हारा, ये भोग है। योग का मतलब क्या होता है? योग किसे कहा जाता है? पातंजल योग दर्शन, पातंजल योग दर्शन के अनुसार योग की व्याख्या बताई गई है कि चित्त वृत्ति निरोधा योग, चित्त वृत्ति निरोधा योग। हमारी चित्त की चंचलता जो है, हमारी चित्त की जो व्याकुलता जो है, चित्त का जो दुर्व्यसन जो है, चित्त का जो दुर्गुण जो है, उसको हमेशा हमेशा के लिए रोक देना, हमेशा हमेशा के लिए संयमित कर देना, और अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने संगत को अच्छे मार्गों में स्थापित कर देना, इसी का नाम योग है। और ऐसा आपने कर लिया तो हर कर्म ही आपका योग हो जाता है, हर कर्म ही आपकी साधना हो जाती है, हर कर्म ही आपकी आराधना हो जाती है, हर कर्म ही आपकी उपासना हो जाती है। और ऐसा अगर आपके द्वारा नहीं होता है तो सब कुछ करने के बाद भी आपकी तैयारी उसी तरह से है जैसे कि पौराणिक कथा सुना के मैं वाणी को विराम दे दूंगा। जैसे अगर आपका आहार व्यवहार इत्यादि सब ठीक नहीं है, आपके द्वारा चाहे पूजा पाठ जो कुछ भी किया जा रहा है, आपकी तैयारी उसी तरह से है जैसे कि प्राचीन समय में एक मथुरा के पंडा बाबा थे। पंडा बाबा अपने आप में उनको भांग खाने का बहुत बड़ा शौक था। अब आप समझते होंगे कि भांग खाने वाले की क्या स्थिति होती होगी। जब भांग खाता है और जब मौसम में आता है, 41-20 फीट ऊपर उड़ जाएगा। अनुभव करेंगे जो लोग होंगे उसको अनुभव ही अपने आप में, 20 फीट ऊपर उड़ जाएगा, 1 मिनट में नीचे गिर जाएगा अपने आप में। अब समझेंगे अपने आप में, पंडा बाबा भांग की नशा में थे अपने आप में, और जाड़ा का ही समय चल रहा था अपने आप में, यही ठंडा का समय था। पंडा बाबा का गांव जो था परली उस पार था, परली उस पार माने जमुना उस पार, जमुना उस पार था। और पंडा बाबा इस पार अपने आप विश्राम घाट इत्यादि में रह करके पूजा पाठ करते थे आसपास में।
पांच ही बजे अपने आप पांचवे शयन काल हो जाता है, उसका जो समय अभी है 5:30 अभी तक साफ भी है ना, तो रात भी हो जाती है कभी कभी उसमें अपने आप में। अब 5 बजे अपने आप में शाम हो गई, रात्रि का समय जैसा हो गया, पंडा बाबा क्या के विश्राम घाट पर आए और आवाज आ रहे, भाई कोई है हमें जाना है अपने आप परली उस पार, कोई नाविक हो तो नाव ले आओ हमें उस पार पहुंचाओ, जो भी तुम्हारा अपने आप में मूल्य होगा, अपने आप में भाड़ा होगा, किराया होगा, मैं दूंगा। सब लोग नौका को बांध करके विश्राम घाट, सब लोग अपने अपने घर चले गए थे, कोई भी नाविक नहीं आया, थे ही नहीं लोग। पांडा बाबा ने कहा कि कोई नहीं तो हम तो हैं, और क्या किए और नौका पर बैठ गए, नौका पर बैठ गए पांडा बाबा अपने आप में, और नौका को सम चंपू को अपने से खेने लगे, कभी लगी से खे रहे हैं, कभी अपने आप पतवार खे रहे हैं, ऐसे करते करते अपने आप में सायन काल 5 बजे बैठे थे पंडा बाबा नौका में, और प्रातः 5 बज गया, प्रातः 5 बज गया अपने आप में, जहां तहां से कुलाहल आ रही थी, अरे भाई कहां से कुलाहल आ रही है, ये कौन सा घाट है, तो लोगों ने कहा बाबा इस घाट का नाम है विश्राम घाट। अच्छा विश्राम घाट, अरे मैं 5 बजे सायन काल विश्राम घाट नौका पर बैठा, अभी मेरे नौका विश्राम घाट से आगे नहीं बढ़ी क्या, एक हंसते हुए अपने आप यात्री ने कहा बाबा आप सुबह शाम के बाद छोड़ दीजिए, पूरी आपकी जीवन बीत जाएगी और तभी आपकी नौका विश्राम घाट से आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्या मैं नौका को नहीं खे रहा हूँ, मैं नौका भी खे रहा हूँ, मैं चंपू भी चला रहा हूँ। एक ने कहा बाबा नौका तो आप खे रहे हैं लेकिन भांग के नशे में होने के कारण आपने नौका की रस्सी को खूंटी से खोलना छोड़ दिया है, और जब तक से अपने आप नौका की रस्सी नहीं खुलेगी तब तक आपकी नौका विश्राम घाट पर पड़ी ही रह जाएगी। ये पंडा बाबा की कथा नहीं है, ये हम संसार के लोगों की कथा है। हम लोग भी पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें, सब कुछ करें, लेकिन हमारा अगर भोजन ठीक नहीं रहेगा तो हमारी भी नौका वही विश्राम घाट पर रुकी रह जाएगी, इसको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, यह भजन है अपने आप में, और ये आपने किया तो हर व्यवहार ही आपका साधना हो जाता है, हर कर्म ही आपकी आराधना हो जाती है, इस तरह अपने आप बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि परमात्मा कृपा साध है, परमात्मा साधना साध केवल नहीं है, जैसे परमात्मा कृपा द्वारा प्राप्त होते हैं वैसे अपने आप और किस साधनों द्वारा नहीं देखा जाता है। तो शेष चर्चा अगले दिन मैं करूंगा अपने आप विभीषण जी महाराज और सूरी जी पर कैसे भगवान ने कृपा के द्वारा अपने आप उनको स्वीकार किया, प्रहलाद और ध्रुव जी पर भगवान ने कैसे कृपा किया, इनके पावन प्रसंगों को अगर समय मिलेगा तो मैं निवेदन करूंगा। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ, एक बार भगवान का नाम ले आगे परमात्मा की जय श्री कृष्ण। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। बस अल्प समय में आरती किया जाए, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सुरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण सम्मुखाद्निरजायत श्री सदे लक्ष्मी शवदने आवहो रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम विश्रनिगाढा मोमयिगाढ सर्वलोकम वैगाढ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।